रायपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कल सनातन हिंदू धर्म के साहित्य प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र गोरखपुर के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य प्रकाशन का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। सस्ते मूल्य पर बिना किसी सरकारी सहयोग के धार्मिक साहित्य, गीता है, रामायण है, वेद है, रामचरितमानस है और हर प्रकार के अन्य धार्मिक साहित्य को प्रकाशन के प्रमुख केंद्र के रूप में पिछले 100 वर्षों से सनातन हिंदू धर्म की सेवा गीता प्रेस कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सनातन हिंदू धर्म देता है। और इसलिए सनातन हिंदू धर्म जो सबके कल्याण की बात करता है, पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता है, उसके प्रकाशन के प्रमुख केंद्र को गांधी पीस प्राइज मिलना या अपने आप में जहां गौरव की बात है, वही प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं गीता प्रेस को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है। और इसको आज कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। कल कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को मैं देख रहा था और मुझे बड़ी निराशा हो रही थी कि जो कांग्रेस अपने आप को देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें अपने गौरवशाली विरासत पर सदैव गर्व करना चाहिए, उसके संरक्षण के लिए कार्य करना चाहिए। कल का कार्यक्रम जो कल संपन्न हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जूरी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चयन किया है, ये विरासत की उसी परंपरा का सम्मान है